बुंदेलखंड की यही कहानी, सूखा घड़ा आंखों में पानी, गगरी न फूटे चाहे खसम मरी जाए, भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, भीषण गर्मी से तपने लगा बांदा, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग, टैंकर आते ही लुट जाता है पानी। गर्मी के दिनों में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड तपने लगता है, जिसका साफ असर बांदा जनपद में भी देखने को मिल रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी और बिजली दोनों की समस्या भी बढ़ने लगी है। वहीं जब पानी का टैंकर आता है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं और पानी भरने लगते हैं, और उससे भी कुछ लोग ही पानी पी पाते हैं। जनपद में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सालों से चली आ रही इस समस्या का कोई हल अभी तक कोई सरकार या फिर प्रशासन नहीं निकाल पाया है। वहीं सरकार की योजना हर घर जल योजना का लाभ भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और लोग आस लगाए बैठे हैं। वहीं मुख्यालय में पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन कोई भी कार्य करता हुआ नहीं दिखाई देता। वहीं पानी के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन घंटों इंतज़ार करने के बाद भी कभी कभी पानी नहीं आता और लोगों को बिना पानी लिए वापस लौटना पड़ता है। वहीं लोग सुबह से पानी की मोटर खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन पानी नहीं आता तो उन्हें बंद करना पड़ता है, और जब पानी आ भी जाता है तो किसी को एक बाल्टी तो किसी को दो बाल्टी पानी ही मिल पाता है। उसके बाद पानी या लाइट चली जाती है, जिससे लोग पानी नहीं भर पाते हैं। फिर उन्हें दूर जाना पड़ता है हैंडपम्प से पानी भरने के लिए, उसके बाद लोग पानी लेकर आते हैं। वहीं प्रशासन भी पानी की सप्लाई करा रहा है, लेकिन बात तो वही है, जिस मोहल्ले में तीन टैंकर की ज़रूरत है वहां पर सिर्फ एक टैंकर ही पहुंच पाता है, जिसे लोग बच्चे बूढ़े माता लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं, और बाद में उन्हें घंटों इंतज़ार करने के बाद सिर्फ एक बाल्टी पानी मिल पाता है। बहुत दिन से 2-3 साल हो गए पानी, किसी अधिकारी से बताया? किसी से नहीं, कोई नहीं सुनता? नहीं सुनता। पानी की टरे की समस्या हो रही है? अरे ये शंकर नगर में तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। कितनी बस्ती में लोग रहते हैं यहाँ पे? बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं। पानी कितने दिन से नहीं आ रहा? सप्लाई वाला भी नहीं आ रहा ना, हैंड वाला आ रहा। किस तरीके की गर्मी में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत पानी काल आया, एक घंटा गंदा आया, फिर बात के आया है नहीं तो चला है, चला है, फिर चले गए हैं, चला 9 बजे के पहले चले गए। अच्छा, हाँ। अभी यहाँ पे पानी की कितने दिन से समस्या रही है? एक महीना से। हाँ। कल पानी आया है? कल पानी आया। अच्छा, उसमें भी गंदा पानी आया? गंदा आया, काफी गंदा आया, एक घंटा आया। अच्छा, किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पानी गंदा आने की वजह? पानी गंदा आया तो बहता रहा है, कोई नहीं भरा, जैसे बिल्कुल माटी हो, भूरी हो, उसमें पानी दूर से लाना पड़ रहा है। हाँ, मंदिर वाले नल से लाते रहे, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत एक दिक्कत रही है, फिर टैंकर आते रहे, जाए कोई फोन किया। देखिए, केन बेतवा लिंक के माध्यम से यहाँ पर अपने बांदा में दो बैराज बनने जा रहे हैं, और हर घर नल से जल की परियोजना है। निश्चित रूप से बांदा शहर की बात करें तो यहाँ पर भी तमाम जगह जहाँ पानी नहीं पहुँचता था, अपने उत्तर प्रदेश सरकार रेट्रोफिटिंग के माध्यम से उनको दुरुस्त करा करके हर जगह पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गांव में पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग वहां पर भटक रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, क्या कहना? जो जानकारियां मिलेंगी उसको भी तुरंत ठीक करा लिया जाएगा।